फिर चढ़ा पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। गर्मी में झुलस रहे बच्चे, स्कूलों की छुट्टी दोपहर में होने से भीषण गर्मी में परेशान हो रहे बच्चे और अभिभावक। कुछ दिनों की राहत के बाद अब दिन और रात दोनों में तापमान फिर बढ़ोतरी होने लगी है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने से सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। स्कूलों की छुट्टी दोपहर में होने से बच्चे घर पहुंचने तक पसीने में तरबतर हो जाते हैं, इससे उनको लू लगने और डिहाइड्रेशन की आशंका बढ़ जाती है। अभिभावकों के द्वारा स्कूल को जल्द बंद कराए जाने की मांग भी की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों कलेक्टर द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में परिवर्तन किया गया था। इन दिनों अब जब स्कूल बंद हो रहे हैं तब मौसम का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार होता है। ऐसे हालात में लू चलने लगती है, इससे बच्चों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। वे घर पहुंचने तक पसीने से तरबतर हो जाते हैं, इसके कारण अभिभावक भी परेशान होते हैं। गर्मी के बढ़ने के साथ ही जल संकट में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। भीषण गर्मी का दौर शुरू होने के साथ ही जल स्रोतों में बड़ी तेजी के साथ पानी का वाष्पीकरण हो रहा है, इससे जल स्रोत तेजी के साथ सूख रहे हैं। सूखते जल स्रोतों के कारण वाटर लेवल तेजी से नीचे गिर रहा है और जिले भर में जल संकट के हालात बने हुए हैं। लोगों को भीषण गर्मी में कई किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ रहा है। लोगों का अधिकांश समय परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करने में खत्म हो रहा है। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ ही अग्नि हादसे में भी इजाफा हो रहा है। भीषण गर्मी के कारण अधिकांश चीज़ों में नमी खत्म होने के कारण थोड़ी सी भी लापरवाही अग्नि हादसे का कारण बन रही है। जिले भर में इन दिनों जंगलों से लेकर खलिहान और खेत तक धधक रहे हैं। हर दिन लाखों रुपए का नुकसान अग्नि हादसे की वजह से हो रहा है। इस तरह के हादसे हर साल होते हैं, इसके बाद भी इनसे निपटने के लिए कोई कारगर योजना नहीं बनाई जा रही। अधिकांश फायर ब्रिगेड भी कई साल पुराने हैं, इससे अग्नि हादसों को रोकने में काफ़ी समस्या होती है।